तमाशा तमाशा इश्क तमाशा। बादाम और पिस्ता निकालने को कहा था, जल्दी से दो जी। मैं आने आना चाहिए था। क्यों, तुम्हें तो यहाँ का खाना बहुत पसंद है ना। चाची जान इंतजार कर रही होंगी मेरा, चले यहाँ से। अरे तेरा मुझे कुछ वक्त तुम्हारे साथ अकेले गुजारना है यार। लेकिन चाची जान के कटहरे में मैं अकेली खड़ी होंगी और मैं बार बार अपनी तसलील नहीं करवा सकती। आज कुछ दिनों की बात है मेरा। फिर क्या होगा, क्या चाची जान अपना रवैया बदल लेंगी? कितना बदल गई हो तुम, ऐसी तल्ख बातें करना कब से सीखी तुमने? वक्त बदल गया है और हालात भी पहले जैसे नहीं है। वक्त तो बदल भी सकता है ना मेरा, लेकिन दुख सिर्फ अपनों का बदलने का होता है, वक्त बदलने का नहीं। अच्छा, तुम अगर मेरी जगह पे होती तो क्या करती? अपनी मोहब्बत का यकीन करती मैं, क्योंकि मोहब्बत में झूठ नहीं होता, धोखा नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। देर हो रही है, बाहर घर चलो। अच्छा मेरा ये खा तो लो, आ गया। चने का? हाँ, जाहिर सी बात, अब तो आपको ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने की आदत है। बेकार से रेस्टोरेंट का खाना थोड़ी पसंद आएगा आपको। ना मैं मजाक कर रहा हूं। अब खुश हो जाए, आपके लिए पास्ता और खीर बना के लाई हूँ, वो भी अपने हाथों से। क्या है सर? मैं आपके लिए
खीर और पास्ता बनाकर? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये खीर और पास्ता। आपने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्या चाहती हो तुम? ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बहुत फिक्र है तुम्हें मेरी? एक बात तुम मेरी कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इन हरकतों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, इसलिए इस तरह की घटिया हरकत करने से पहले हजार बार सोच लेना, क्योंकि माफी का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। Now get out. एक बात और, इसे तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के इग्नोर करना। आज के बाद तो मुझे आना जरूर बताना। बस आज के बाद तुम्हारे मुंह से इंदिरा के खिलाफ एक लफ्ज सुनो मैं, अकेला आउट। बशा, तुम इस वक्त क्यों सो रही हो? उठो, ये कोई वक्त होता है क्या सोने का? उठ के बैठो। नहीं करे आप ही। झूठ मत बोलो, तुम कब से इस वक्त सोने लगी? नींद आ रही है यार। तुम इस वक्त कभी भी नहीं सोती, इस वक्त तो रुशना सोती थी। बताओ क्या बात है? वो कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे आज। वाकई? क्या कहा चाची जान ने? फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी उनकी लंबी चौड़ी जायदाद का सुनकर लालच में आ गई। ऐसा नहीं कहते, बहुत बुरी बात है। क्या आप कह रही हैं मेरा हाथी? आपके साथ तो इतनी ज्यादती कर देती है अम्मी। तुम छोड़ो मेरी बात, लेकिन तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं कर सकती। कितनी आला जर्फ है ना, काश अम्मी थोड़ा सा दिल बड़ा कर लें। मेरी हमदर्दी करने के बजाय तुम गुफरान से बात करो। तुम कहो उससे कि अपनी अम्मी को जल्द से जल्द यहाँ पर ले आए, ये ना चची जान हथेली पर सरसों जमा ले। यही तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कुछ पता चला आप लोग को? बाहर बारिश शुरू होने वाली है। हाँ तो क्या करें, छाता लेकर बाहर चले जाए या रेनकोट पहनकर अंदर बैठ जाए? दोनों काम ना करें ना, बस पकौड़े बना दें पुदीने और इमली की चटनी के साथ। हाँ हाँ, हम तो इतने फारिग हैं ना, यहाँ बैठकर तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते रहेंगे। तो मैं कौन सा आपसे कह रही हूँ, मैं तो मिरहापी से कह रही हूँ। क्यों मिरहापी, ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, चलो हम चल के पकौड़े बनाते। कम बनाएंगे, परवशा ने तो वैसे ही मना कर दिया। हाँ हाँ, मुझे कोई शौक भी नहीं है खाने का, जाओ तुम खुद ही बनाओ और खाओ। मेरा, मुझे माफ कर दें, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे ऑफिस आने से आप इतना खफा हो जाएंगे। मैं
मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी इसलिए। जानती हो तुम दुख क्या होता है? आज मैं तुम्हें बताता हूं कि दुख होता क्या है और उसे महसूस कैसे करते हैं। मेहराब, मेरी बात तो सुने, कहां लेके जा रहे हैं मुझे? अगर इस परिस्थिति बारिश में मैं तुम्हें घर से बाहर निकालता हूं, कैसा फील करोगे तुम? क्या मेहराब, 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 मेरा का किसी ने ख्याल किया था उस वक्त जब वो बारिश में तड़प रही थी, मिन्नतें कर रही थी, पुकार रही थी, किसी ने उस पे तरस क्यों नहीं खाया उस वक्त? मैं पूछता हूँ, मैंने उसे घर से नहीं निकाला था। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ है, बस। चना किरते गुजारी आई रात वे, चना किरते गुजारी आई रात वे, मैटा जी दलीला देवात वे, चना किरता गुजारी आई रात वे, मैडा जी दलीला देवात वे, चन के था गुजारी आई। Enjoy rupees 500 off on your first order from Hum Mart app. Download the app and order now. Hum Mart, kare life aasan. Oh, sir, seedha rakho. Hazar baar mana kiya tha ki barish mein mat nahao. Lekin nahi, karni hoti hai na apni manmani. Ammi, itne dino baad to barish hui thi. Na dil chah raha tha barish mein nahane ko. To kaun sa aakhri baar hui thi? अब देख लिया ना नतीजा, हो गया ना बुखार? आज क्या हो गया, यहाँ क्यों ले आए? कोई आ गया तो आ जाए, मैं डरता हूँ किसी से। क्या चाची जान आ गई ना तो एक मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे मुझे। नहीं मैडम, अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मैं आ गया तो ये वहम अब आप अपने दिल से निकाल दें। क्यों बुलाया? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी पड़ेगी। आज क्या हो गया, ऐसे ही देते हैं? हर किस ने आंखें बंद करो। ओके बंद रखना। क्या है मार्च? खोलो। आइसक्रीम? यस। अब तुम्हें बारिश में आइसक्रीम खाना पसंद है ना, तो इसलिए। थैंक यू, आपको याद था? मुझे तुम्हारी हर बात याद है मेरा। पता नहीं कैसे उतरेगा। अम्मी बुखार की दवा पिला दीजिएगा ना, सुबह तक ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा डॉक्टर साहिबा, पिला देती हूँ। बैठो इधर, लेकर आती हूँ दवा। बैठो। थैंक यू सो मच। ये रात के अंधेरे में क्या गुल खिलाया जा रहा है यहाँ?
वहाज मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं अम्मी, वो मेरा के लिए आइसक्रीम लेकर आया था तो वो दे रहा था आइसक्रीम। अच्छा, तो ये काम तुम सबके सामने नहीं कर सकते थे? यूं चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी? बस वो मम्मी एक्चुअली मेरा को पसंद थी तो मैंने कहा। दे चुके ना, चलो जाओ अब अपने कमरे में। जवान जहान बहने रहती हैं इस घर में, कुछ तो लिहाज कर लिया करो। वो भी इसके नक्शे कदम पर चलेंगी ना तो किस किस को संभालते फिरेंगे हम। और तुम क्या समझती हो तुम? हाँ, इस तरह की बाजारी हरकतें करके तुम वहाज के दिल में जगह बना लोगी? चीची जान, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही थी। कहा नहीं, करके दिखाया तुमने। एक बात कान खोलकर सुन लो, वहाज शरीफ लड़कियों को पसंद करता है और किसी शरीफ लड़की से ही शादी करेगा। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैंने कुछ भी नहीं कहा। कहना भी मत कुछ, मैंने जमाना देखा है। मैंने क्या कहा है? और हाँ, मेरे जाने के बाद यहां मत खड़ी रहना, सीधी अपने कमरे में जाना। मैं सारी रात यहां टहलकर तुम्हारा पहरा नहीं दे सकती। सुना तुमने? आगे लगो मेरे, चलो। मैंने तो आज उस्वा को स्कूल नहीं भेजा, उसका तो बुखार ही नहीं उतर रहा। हाँ तो सो नहाई थी ना बारिश में। अम्मी मेरी कोई डाक आई थी? हाँ आई थी शायद। क्या बात कर रही हैं, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बेटा, 100 तरह की सोचें होती हैं, निकल गया दिमाग से। अच्छा रुको, मैं मंगवाती हूँ। मिरहा, मिरहा। जी चाची जान। मेरी अलमारी में एक सफेद रंग का लिफाफा है, वो ले आओ। जी अम्मी, मुझे एडमिट कार्ड लेने जाना है, प्लीज पैसे दे दें। पैसे दे दें, छुरी तले दम लिया करो भाई। माँ हूँ तुम्हारी, कोई एटीएम कार्ड नहीं जिसमें से हर वक्त पैसे ही निकलते रहे। अम्मी आप मशीन तो हैं लेकिन एटीएम नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो ठक ठक पैसे निकालती है। शर्म नहीं आती माँ का मजाक उड़ाते हुए? हाँ आप तो हंसे बस। चलो दो से दो। फिकर हो रही, मैं कह रही हूँ डॉक्टर से दवाई ला दूँ उसे। मैं अम्मी मेरी जॉब लग गई है, बहुत अच्छी सैलरी है और अलाउंस भी है साथ में। या अल्लाह शुक्र है तेरा, मेरा बच्चा है ही इतना काबिल। जीते रहो जीते रहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। फाइनली नसीब करे। अरे वहाज, ये मेरा के मुबारक कदमों की वजह से तुझे नौकरी मिली है। हाँ बिल्कुल, मेरा मेरे लिए बहुत लकी है। अरे अपनी कामयाबी का सेहरा दूसरों के सर डालना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं होता। काश तुम्हें ये बात समझ आ जाती। मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। हाँ जाओ जाओ। भाई अब तो ट्रीट बनती है, वैसे इतनी अच्छी जॉब जो लगी है।
हाँ हाँ बिल्कुल, जैसी मुझे मेरी पहली सैलरी मिलती है मैं तुम्हें शॉपिंग पे लेके जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं अपने पैसे ललो तललो में उड़ाने की, अभी हमें बड़े पैसों की जरूरत है, शादी करनी है मैंने तुम्हारी। ये लो भाई, गांव बसा नहीं है चक्के पहले आ गए। अम्मी ने तो पहले से प्लानिंग करके रख ली है कि आपके पैसों पर से क्या क्या लेना है। हाँ तो फजूल थोड़ी खर्च करने दूंगी अपने बच्चे को पैसे में। अरे अकीला, अरे दिल क्यों अपना छोटा करती है, शादियां भी हो जाएंगी है, बच्चों को कभी कभी खुश तो हो लेने दिया कर। अरे अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? अच्छा भाई ठीक है, जहाँ मर्जी ले जाना, जितने मर्जी पैसे खर्च करना। तो बड़ी खुश हूँ मैं। अम्मी मुझे पैसे दे दें, देर हो रही है। अच्छा जाओ पर्स लेकर आओ मेरा। बिल्कुल, मेरा मेरे लिए बहुत लकी है। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? सोच रही हूँ खाला अम्मा के जितनी जल्दी हो सके मेरा की शादी कर दूं। अच्छी सोच है तुम्हारी, कोई रिश्ता है तुम्हारी नजर में? कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। ओ, अरे अभी तो तुमने पलवशा का रिश्ता तय किया है, उसका फर्ज अदा कर लो, उसके बाद तुम सोचना मेरा के लिए। खाला अम्मा मैं मेरा पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, जितनी जल्दी हो सके मैं इसे रुखसत करूंगी। हाँ भाई, घर की बात अगर घर में रह जाती तो बहुत ही अच्छा था। बहरहाल तुमने कभी मेरी बात मानी है जो ये मानोगी? खाला माँ अब हालात बदल गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मेरा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ मैम, तुम्हें मिस कर रहा था। शायद तुम अपने घर वालों के साथ इतना खुश हो कि मैं याद तक नहीं आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा मसरूफ थे। तुम खुश तो हो वहां पे? सब घर वाले तुम्हारा ख्याल तो रख रहे हैं तो, और तुम्हारी चची? अपने घर में कौन खुश नहीं होता बहराम, और सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं पहले से भी ज्यादा। आप कुलसुम से गुफरान के लिए बात करें, अगर वो हाँ कहती है तो ज्यादा सा जहेज दे दिलाकर उसे रुखसत कर दूंगी।
अरे कुलसुम तो पहले ही मना कर कर गई थी, वो कैसे बात मानेगी मेरी? अरे खाला माँ, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, मेरी बहन है। ज्यादा जहेज का लालच है उसे, अगर ज्यादा जहेज दूंगी तो, और साथ में वो कुफरान को सलामी में मोटरसाइकिल भी दे देंगे। खाला माँ बात तो करके देखें। बच्चों की मर्जी तो कुछ और ही थी। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं बात करके देखती हूँ। जल्दी से बात करके देखें, अगर हाँ कहती है तो ठीक है, वरना कोई और रिश्ता देखो। ये मिर्हा को कब से चाय का काय, पता नहीं पाए बनाने बैठ गई है ये। तुम्हारा लहजा चुगली क्यों खा रहा है मेरा? तुम खुश नहीं हो ना? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बस गलत फहमी हो रही है। जिन लोगों की फिक्र होती है ना बच्चों, उनके बारे में किसी को फहमी का शिकार नहीं होता। पियेंगी चाय? नहीं नहीं, मेरे लिए चाय नहीं लाना, अभी एक और मुसीबत। अरे अकेला, तेरी तो खोपड़ी शुरू से ही उल्टी रही है, अब मैं कुलसुम से बात करूं? मिर्हा, और मिर्हा चाय बनाने में टाइम कितना लगता है, क्यों इतनी देर लगा रही हो? चाची जान बस तैयार हो गई चाय, में बर्तन धो रही थी। काम करते वक्त तुम्हारे हाथ क्यों टूट जाते हैं? कोई भी काम ढंग से नहीं किया जाता तुमसे। पता नहीं कहाँ रहता है तुम्हारा दिमाग, चार दिन बाहर क्या रही, मिजाज ही नहीं मिल रहा बीबी के। होश में आओ बीबी, यहाँ कोई नौकरों की फौज नहीं है, खुद ही अपने हाथ घिसाने पड़ते हैं, समझी? बस लाई चाची जान, जल्दी लेकर आओ चाय। अलविशा, यहाँ क्यों आ गए? अलविशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं। अलविशा प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज अलविशा एक दफा मेरी बात तो सुन लो प्लीज। अब कोई फायदा नहीं गुफरान, तो खुद एक तमाशा बनकर रह गई। नहीं संगदिल मत बनो अलविशा, मुझे इग्नोर करके मेरी मोहब्बत की तदलील तो ना करो यार। क्या करूँ मैं, सबने मेरा मजाक बना कर रख दिया। ऐसा तो ना करो यार, मैं सबको मना लूंगा, मेरी बात का एतबार तो करो यार। कुछ भी नहीं हो सकता, आप घर वाले मेरा रिश्ता तय कर चुके। अरे आओ बेटा, आओ। अरे रुशना को भी साथ ले आते, कितने दिन हो गए उसे देखे हुए। जिस मकसद के लिए मैं आया हूं यहाँ पे, उसके लिए रुशना का होना जरूरी नहीं था यहाँ पे। कैसा मकसद, मैं समझी नहीं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किन किन शरायत पे मेरा यहाँ पे वापस आई थी। हाँ तो आपने अपना किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया, यहां तक कि उसे वो इज्जत भी नहीं दी जिसकी वो हकदार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आपसे ये सब किसने कहा? ये जानना इतना जरूरी नहीं जितना इस सवाल का जवाब। बताइए आप मुझे,
मेरा को अब तक आपने कबूल क्यों नहीं किया? उसे घर में तो रखा हुआ है, ये काफी नहीं है? कोई बड़ी बात नहीं है, ये अपना घर है उसका। बेगैरती का चोला पीला। खाला मैं एक मिनट, इतना आसान नहीं होता किसी को अपने घर पर रखना। सारे मोहल्ले की बातें सुनना पड़ रही है हमें। जब आपकी बेटी ने ये सब किया था तब तो आपको लोगों की परवाह नहीं थी, सिर्फ मेरा ही के लिए क्यों? अच्छा तो अब आप गन पॉइंट पर इसे इज्जत दिलाने आए? अरे नहीं बेटा, अकीला के कहने का ये मतलब नहीं है। हम तो मीरा को बहुत खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो खुश है तो मीरा से खुद पूछ लो। मीरा, अरे बता ना, बता। ये ऐसा क्यों कहेगी? इसको तो आदत है जगह जगह हमारी नाक कटवाने की। अरे क्यों कहेगी मीरा ऐसे है? ऐसा ही है, अगर ऐसा ना होता तो मेहराब को कैसे पता चलता कि हम इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं? इसी ने बुलाया होगा ताकि आकर ये हमारी अदालत लगाए। क्यों आया था ये यहाँ? नहीं चाची जान, मैं क्यों बुलाऊंगी? घर की बात बाहर कैसे निकली? तुम दोनों में रابطہ होगा तभी ना। चाची जान ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्यों उनसे रابطے रखूंगी? अरे मैं जानती हूँ अच्छी तरह से तुम्हारी चालाकियाँ। लोगों से हमदर्दियाँ समेटना खूब अच्छी तरह आती है तुम्हें। किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? मेरा यकीन करें, मैंने मेहराब को यहाँ पर नहीं बुलाया था। पहले सारे जमाने के सामने मेरा सर झुका दिया और अब दामाद के सामने इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी तुमने। अरे जार जान छोड़ दो हमारी। बस कर दे खाला अम्मा, आप हमेशा इस लड़की की हिमायत करती हो। ये तुझे खुदा का वास्ता है, कुछ तो आकर्षित काम लिया कर। दामाद के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत थी? क्या सोचता होगा वो? अरे वो जो भी सोचता है ना तो सोचता रहे। मैं इस लड़की को ना ठिकाने लगा कर रहूंगी। चाची जान प्लीज एक दफा मेरी बात सुन ले। चली जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। मैंने कुछ भी नहीं किया चाची जान। अरे मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी। तुम तो वो नेकी हो जो सारी जिंदगी से मेरे गले पड़ी भी हो। आने दो बहाज को, बताती हूँ तुम्हारे कारनामे। बहुत मासूम बनी फिरती हो ना उसके सामने। सॉरी मेरा, मुझे अंदाजा नहीं था कि आंटी ऐसे रिएक्ट करेंगी। क्या जरूरत थी आपको ये सब कुछ करने की? आपको समझ में क्यों नहीं आता मेरा? तो क्या करूं, तुम्हारे साथ ज्यादती होने दो। तो आप होते कौन है मेरे? ये मेरे मेरे घर का मामला है, हम खुद सुलझा लेंगे इसे। क्या तुम नहीं जानती मैं कौन होता? आप सिर्फ रुशना के शौहर हैं और इस घर के दामाद। बेहतर होगा कि मुझसे दूर रहें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम
तुम जिम्मेदारी हो मेरी। मैं आपकी जिम्मेदारी थी, अब नहीं हूं। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मैं और रुस्वा नहीं होना चाहती। I'm sorry. मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। आइंदा आप मेरे लिए इस घर में मत आइएगा। तमाशा इश्क तमाशा।